काउंटिंग फिगर के अब तक के क्लास में आपने देखा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, अर्थात त्रिभुज की गणना, वर्ग की गणना और आयत की गणना। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ सर्कल एंड लाइंस, अर्थात वृत्त एवं रेखाओं की गणना। दोस्तों इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जैसे बाकी तीन पार्ट के लिए हम कुछ अलग अलग स्पेशल ट्रिक बताए थे। इसमें आपको पर्सनली इंडिविजुअली आपको अलग अलग जो शेप है अर्थात लाइन है या वृत्त है उसको काउंट करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें समय लगेगा, बस कुछ ही सेकंड में बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कुछ फिगर दिया हुआ है, इसमें अपने को बताना है कितने रेखाएं होंगे या कितने सरल रेखाएं होंगे। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी शेप आपको दिया जाए, किसी भी तरीके का फिगर आपको दिया जाए, उसमें सिर्फ ये चार लाइन ही होते हैं। एक तो होता है ये सीधी रेखा ही मिलेगा आपको, एक लंबवत रेखा देखने को मिलेगा, एक इस तरीके से रेखा देखने को मिलेगा और एक इस तरीके से रेखा। ये चार ही रेखाएं आपको हर फिगर में देखने को मिलेगा, इन्हीं चार फिगर को काउंट करना है और वो बहुत ही आसान है। जैसे इसमें ये पहले इस रेखा को काउंट कर लेते हैं, कितने पास अपने पास कितने हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो ये जो सीधी रेखा दिख रहा है वो अपने पास दो ही है। लंबवत रेखा कितनी है, एक दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह सात आठ नौ, तो लंबवत रेखा तो नौ है जी। अब ये रेखा कितना है, एक। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान देना, जब रेखा गिन रहे हैं काउंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहां से आप स्टॉप कर देंगे, यहां से यहां तक गिन लेंगे और इसको अलग गिन लेंगे। दोस्तों रेखाएं जहां तक शुरू होता है जहां तक खत्म होता है, जहां से शुरू जहां तक खत्म, मतलब दो पॉइंट को ही देखना है। जैसे ये यहां से शुरू हो रहा है और ये यहां तक, उसको एक ही गिनना है, ऐसा नहीं कि यहां पे रोक देना है ना, इस बात का ध्यान देना है। तो ये पूरा एक हो गया ना, ये एक हो गया, आगे जाता तो हम पूरा वहां तक लेते, तो एक दो तीन चार, तो ये रेखाएं अपने पास चार ही है। ये रेखाएं कितनी है, एक दो तीन चार, तो ये भी चार ही है। अब टोटल कर लीजिए, नौ दो ग्यारह, चार पंद्रह, चार उन्नीस, इसमें 19 सरल रेखाएं होंगे। इसको देखते हैं, दोस्तों काम वही करना है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बस आप पहले ये रेखा या ये रेखा जैसा भी हो, या ये रेखा या लंबवत रेखा, आपकी मर्जी जो भी है, एक पहले काउंट कर लीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं सीधी रेखा कितने हैं, एक ये पूरा दो या तीन, तीन तो ये हो गया। दोस्तों इसके अलावा यहां है दो और ये तीन ये चार, तो चार ये और चार तीन सात, सात ये रेखा है। ये रेखा कितनी है दोस्तों, ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये रेखाएं कितनी है, ये रेखाएं तो अपने को एक भी नहीं दिख रहे हैं, एक तो सीधी रेखा दिख रहा है और एक लंबवत रेखा दिख रहा है, जो कि एक दो ये तीन ये चार और ये पांच, ये लंबवत रेखा पांच है, ठीक है। क्या ये रेखा आपको दिख रहा है, क्या क्या ये रेखा आपको दिख रहा है, क्या कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो टोटल इसमें 12 रेखाएं होंगे। अब दोस्तों इसी में मैं एक लाइन यहां पे खींच दूं, कितना अलग हुआ, एक ही रेखा तो बढ़ा ना, एक लाइन और खींच देता हूं, कितना रेखा बढ़ा, दो ही तो रेखा बढ़ा ना, एक ये और एक ये, एक एक आ गया दोनों। अब आपकी मर्जी, जरूरी थोड़ी कि ये फिगर दे, मैं अंदर में ये बॉक्स और बना लिया, कितना रेखा बढ़ा है, एक दो तीन चार, चार ही रेखा तो बढ़ा है ना। तो इस तरीके से जैसा भी फिगर दे बहुत आसानी से काउंट कर पाएंगे। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं इसमें कितने होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा कितनी है, सीधी रेखा अपने को एक दिख रहा है, दो, दो ही दिख रहा है जी, दो ही सीधी रेखा दिख रहा है। लंबवत रेखा कितना दिख रहा है, लंबवत रेखा एक दो तीन, और है क्या, एक हुआ दो हुआ तीन हुआ, इसके अलावा दोस्तों ये भी तो है ना, चार पांच छह सात, लंबवत रेखा है सात। अब ये रेखा देख लेते हैं और ये रेखा देख लेते हैं, ये रेखा कितना है, ये इस तरीके से ना, इस तरीके से रेखा अपने पास है, ये एक है और ये दो है, ये है, तो ये पूरा यहां तक काउंट हुआ गया ना। देखो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये एक जो कि पूरा यहां तक गया है, ये दो और ये तीन, तीन रेखा है, इसके अलावा ये चार, ये तो हो गया काउंट, चार रेखा है जी,
ये रेखा अपने पास चार है। अब इस रेखा को काउंट कर लेते हैं कितने हैं। दोस्तों ये रेखा एक हुआ, ये दो हो गया, एक दो तीन, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। क्या इतना ही होगा? चार, ये हो गया चार, चार आठ दो दस सत्रह, सत्रह रेखा इसमें होगा। अब आप देख लीजिए कितना आसान है, कितना टाइम आपको लगेगा। चलिए और कुछ फिगर देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और फिगर, अपने को बताना है कितने इसमें सरल रेखाएं हैं। दोस्तों इस फिगर को देखते हैं, इसमें बहुत सारा रेखाएं दिख रहे हैं, एक एक करके हम सबको मिला के काउंट करेंगे तब तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अपना तरीका वही है, ऐसे कितने रेखाएं हैं अपने को देख लेना है। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, इस तरीके से अपने पास पाँच रेखाएँ हैं। अब लंबवत रेखाएँ कितनी है उसको देख लेना है। लंबवत रेखाएँ हैं एक दो तीन, तीन ही लंबवत रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं और ये रेखाएं तो अपने को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एक एक करके ध्यान से काउंट करेंगे ना, इस रेखाएं को हम गिन रहे हैं। ये रेखा अपने पास कितनी है, तो ये एक दिख रहा है, ये दो और ये पूरा है, ये पूरा है, आपको थोड़ा यहाँ से अलग दिख रहा होगा, ये पूरा ऐसे मिला है, एक दो, ये तीन चार पाँच, तो पाँच रेखाएँ इसमें दिख रहे हैं। इस तरीके से कितने रेखाएं हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये पूरा तीन हो गया और ये चार, एक ये दो ये तीन ये चार पांच, पांच रेखाएं भी है, तो कितना हो गया। इसके अलावा यदि आपको और दिख रहे हैं तो बता सकते हैं। दोस्तों ये पांच दस पंद्रह तीन अठारह, अठारह रेखाएं होगा। अब दोस्तों देखिए अभी तो मेरे को आंसर पता है, तो कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं या बता सकते हैं, मैं रट के इसको बता सकता हूँ। दोस्तों जैसा भी फिगर हो बहुत ही आसानी से बता पाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ इसलिए के करके काउंट कर दिया। इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है, एक एक शेप को एक एक रेखा को आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। देख लीजिए ये रेखाएं कितने हैं, ये एक ये दो तीन चार पांच, पांच रेखाएं अपने पास। लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा सीध, लंबवत रेखा कितना है, एक दो तीन चार पांच, ये भी पांच है। अब इस रेखा को देख लेते हैं, ये रेखा कितने है। दोस्तों यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये एक ये पूरा दो ये तीन ये चार, इसके अलावा और है क्या, चार ही दिख रहे हैं जी, चार रेखा ये दिख रहे हैं। इसको देख लेते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात, ये सात दिख रहे हैं। टोटल कितने हैं, पांच पांच दस चार चौदह सात इक्कीस, इक्कीस रेखाएं इसमें होगा। देख लीजिए कितने टाइम लगा। अब दोस्तों यहां आपने को रेखाएं नहीं बताया ना, ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल कितने हैं, कितने इसमें वृत्त होंगे ये बताना है। इसको भी इसी तरीके से काउंट करना है और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। कितने वृत्त हैं अंदर में देख लेते हैं, इस वृत्त के बाहर चार वृत्त दिख रहे हैं, तो ये तो हो गया पांच, इसमें हो गया ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ये छठा हो गया, ये सात हो गया, ये आठ हो गया बड़ा वाला ठीक है, तो टोटल तो आठ ही हो गया। अब ये बस काउंट करना बाकी है, ये कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सत्रह ये है, तो टोटल हो गया 25, 25 इसमें वृत्त होंगे। कितना समय लगा दोस्तों, क्या इसमें ट्रिक की जरूरत है। आइए कुछ और फिगर देख लेते हैं, इसमें अपने को बताना है कितने सर्कल होंगे। तो दोस्तों अपने को काउंट करना पड़ेगा और वो बहुत आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो बड़ा सर्कल बना है उसको देख लेते हैं कितने सर्कल हैं। दोस्तों इसको आप देखेंगे तो थोड़ी देर आप इसमें कंफ्यूजन में हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन जब आप एकदम बेसिक से बारीकी से इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें तो एक दो तीन चार पांच ही बड़ा सर्कल है ना। आपको ये पूरा गोल गोल घुमा के दे दिया है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पांच ही तो सर्कल है। ये एक सर्कल हुआ और ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ, पांच ही तो बड़ा सर्कल है। अब छोटा छोटा कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो पांच ये है नौ ये है, तो नौ पांच
14 इसमें सर्कल होंगे, ठीक है। इसमें कितने वृत्त हैं, ये भी एकदम उलझा हुआ प्रश्न लग रहा है। चलिए आसानी से हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस तरीके से अपने को तीन शेप दिख रहे हैं जी, एक का निकाल लेते हैं तो तीनों का हम बाकी बता सकते हैं। एक दो तीन, तो तीन इसमें है तो तीन इसमें होगा, तीन इसमें होगा, तीन इसमें होगा, क्योंकि सभी शेप तो एक जैसे ही है। इसके अलावा और कुछ शेप है, एक दो तीन चार पांच, देख लीजिए एक ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त है, तो इस लाइन में अपने को पांच दिख रहे हैं और इस लाइन में एक दो तीन, ये गलती मत करना ना, इसको तो हम इस लाइन में गिन चुके हैं, तो एक ही दो, दो ही तो है, टोटल कितना हो गया, तीन 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 करके चार है, तो तीन चौ 12, यह हो गया 12 5 17 18 19, तो 19 इसमें वृत्त होगा। इसको देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी उलझने वाली बात नहीं है। देख लीजिए कितने हैं, अंदर में कितने हैं, सबसे बड़े बड़ा सर्कल एक दो तीन, तीन बड़ा सर्कल है जी, अंदर में कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, तो अंदर में पांच है, इसके अंदर में कितना है, एक दो, देख लीजिए इसमें पांच है, ये छह हो गया, सात हो गया, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह ये, तीन ये, उन्नीस। एक बार और गिन लेते हैं, गलती ना हो, तीन तो बड़ा बड़ा वृत्त हो गया, अब अंदर में कितना है, एक दो तीन चार पांच छह इसमें है, क्या इसमें छह है, इसमें भी छह दिख रहे हैं, इसमें छह है क्या, दो तीन चार पांच छह, छह इसमें भी है, तो छह थी 18 मत गिन लेना, ये और ये दोबारा गिनती हो गया है, तो 16 और ये तीन 19, इस तरीके से भी हम गिन सकते हैं। चलिए कुछ और फिगर देख लेते हैं ताकि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपने को बताना है इसमें कितने वृत्त हैं दोस्तों। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे हम इसको काउंट करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है, देखो सबसे पहले तो आपको एक अंदर में बड़ा सा एक वृत्त दिख रहा है ना, इसी से सब टच किया हुआ बाकी वृत्त बना है, एक वृत्त ये हुआ। अब सबसे दोस्तों सबसे पहले हम बाहर वाले जो है उसको काउंट कर लेते हैं, बाहर वाले कितने हैं, जो बाहर में जो स्पष्ट आपको दिख रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, छह ये हो गया जी। इसके अलावा आप इसको टच करते हो अंदर में बना है, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह ये बड़ा वाला हो गया और उसके अंदर ये छह और ये एक, तो ये इसमें छह छह बारह एक तेरह, तेरह वृत्त होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सब कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।